और एडजस्टमेंट करने का हम जो कर रहे हैं कैश फ्लो के अंदर एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट करने का मेन ये है कि मैं पहले सारा एडजस्टमेंट कराऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है ना। पहले साथ के साथ करवाना थोड़ा सा वो हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स रह जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। हमने लास्ट क्लास में प्रोविज़न फॉर टैक्स का पूरा देख लिया था, कैसे होगा नहीं होगा, फॉर्मेट भी हमने पूरा देख लिया है, ठीक है, बेसिक भी। तो आज तीसरी क्लास है। तो सर डेप्रिसिएशन ना आपके दो तरीके के होते हैं, और दो तरीके का आएगा। एक आएगा सिंपल डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन, और एक आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर कह लो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, या कह लो एक्यूमलेटेड डेप्रीसिएशन, इसको एक्यूमलेटेड डेप्रीसिएशन भी कहते हैं। तो दो हिस्से में बांटा हमने, ठीक है। तो इसको हम बाद में समझेंगे अलग से, और ये वाला पार्ट तो अभी हम देखते हैं। सिंपल डेप्रीसिएशन में दो बातें हो सकती है, एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, यानी नो इंफॉर्मेशन गिवन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको कोई भी जानकारी गिवन ही नहीं है डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में, फिर भी कई बार डेप्रिसिएशन होता है। तो हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना कि कोई बात बताए नहीं तो डेप होगा ही नहीं क्वेश्चन में। एक होगा जब आपको एडजस्टमेंट गिवन हो, ठीक है। तो सर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्या क्या हो सकता है, इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, बेसिकली दो कैटेगरी में। एक हो सकता है आपका लैंड के ऊपर, और एक हो सकता है आपका अदर देन लैंड, मतलब लैंड के अलावा सारा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और ये सारा। चलिए समझते हैं। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे आपको विजुअल है पूरा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, सपोज करते हैं प्लांट ये 2000 हमारे पास 21 है और ये 2022 है। प्लांट 1 लाख से 80 हजार हो गया। लैंड की बात करते हैं, 1 लाख से आपका 70 हजार हो गया। ऐसे हम फर्नीचर की बात कर लेते हैं, 1 लाख से 1 लाख 20 हजार हो गया। कुछ जानकारी मैंने यहाँ लिखा है। जब क्वेश्चन में कोई बातें नहीं बताया गया तब भी डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट होता है कई बार। जैसे आपका प्लांट 1 लाख से अगर 80 हजार रुपये हुआ है तो क्या रीज़न रहा कि प्लांट घट गया? तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे रीज़न क्या रहा डेप्रिसिएशन का, रीज़न किसका रहा? तो 20 हजार रुपये यहाँ डेप्रिसिएशन है। देखो क्वेश्चन ने कहीं भी डेप्रिसिएशन के बारे में तो नहीं बताया ना, लेकिन यहाँ पे 20 हजार का क्या होगा? लेकिन लैंड अगर 1 लाख से 70 हजार हो जाता है तो लॉ ये कहता है लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। तो यहाँ पे इसकी संभावना घटने की एक ही होती है, बेच दिया होगा। समझ रहे हो बात आप? यानी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड के अलावा कोई भी एसेट्स अगर घटेगा तो डैप है वहाँ पे। अगर कुछ ना बोला जाए, अगर लैंड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पे? सेल माना जाएगा हमेशा। सर एक बार कई बार पूछा जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डैप लग सकता है हमारा, सिर्फ लैंड पे नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग पे तो लग सकता है। फर्नीचर 1 लाख से 1 लाख 20 हजार हो गया, तो अब बढ़ गया तो परचेज है। तो अगर लैंड हमारा, दो चीजें हो सकता है, या तो ये डिक्रीज हो सकता है, या क्या हो सकता है? क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है मेरी बात कि डिक्रीज का मतलब हो गया जैसे यहां से यहां गया, घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो लैंड डिक्रीज होगा तो हमेशा क्या कंसिडर करेंगे हम? सेल। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंसिडर करेंगे परचेज। सर सेल होगा तो कहाँ का पार्ट है? लैंड इन्वेस्टिंग का पार्ट है।
और परचेज होगा तब भी कहाँ का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, क्योंकि फिक्स एसेट्स तो इन्वेस्टिंग का होता है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगर अदर देन लैंड हो तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन आपके सामने बन सकता है। सर दो सिचुएशन कौन कौन से यहाँ पे बन सकते हैं बताइए, या तो हो सकता है क्या इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इंक्रीज आपको दिखे तो इसका मतलब आपने क्या करा है, परचेज। जैसे मेरे तीसरे वाले पॉइंट में फर्नीचर में एक से एक 20 हो गया तो कितने का खरीदा, 20,000 का। अगर डिक्रीज होता है तो वहां पे क्या कंसीडर कर लेते हैं हम, हमारा क्या हो गया वहां पे, डेप्रिसिएशन। जैसे कि मेरा प्लांट डिक्रीज हो रहा है तो क्या मानेंगे हम, समझ में आया, ये है जब इंफॉर्मेशन नहीं पता। जब इंफॉर्मेशन देगा तब तो हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट पे मैंने आ गया लेके आपको कि जब क्या गिवन हो, इंफॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट गिवन हो। तो सर जब इंफॉर्मेशन गिवन हो या एडजस्टमेंट गिवन हो तो बहुत सिंपल सी बात है, हम यहां पे प्रिपेयर करेंगे अकाउंट। और आप बता दीजिए कि बताइए जो हम प्रिपेयर करेंगे वो होगा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स होगा वो। और सर फिक्स एसेट्स अकाउंट जो भी हम बनाएंगे यहां पे, आपको अगर किसी भी अकाउंट का, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अकाउंट का अगर आपको बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी किधर जाएगा अगर आपने लिख लिया ना, तो मान लो आपको खत्म। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले मुझे सिंपल सी बात बताइए, ये फिक्स एसेट्स अकाउंट है, इसका बैलेंस बीडी कहां लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी कहां होगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। और सीडी कहां होगा, बैलेंस सीडी। और आपको मैंने बताया था बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कैश फ्लो में कोई जगह नहीं है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन फाइंडिंग होता है उसकी जरूरत पड़ती है। अब बैलेंस बीडी है तो आप मुझे सिंपल सा बात बोलना, मैंने फिक्स एसेट्स लिखा है, लैंड होगा तो लैंड अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग होगा बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, मशीनरी होगा मशीनरी अकाउंट बनाओगे। तो अब इस साइड अगर कोई जानकारी आ रही है तो उसका मतलब हम क्या माने कि ये हमारा एसेट्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो डेबिट में होता है उस डेबिट से बढ़ता है और जो क्रेडिट में होता है वो क्रेडिट से बढ़ता है। और अगर इस साइड जानकारी आएगा तो इसका मतलब क्या माने, तो यहां पे देखा जाए तो बाय साइड में अगर मैं जानकारी की बात करूं तो बाय साइड में घटने का रीजन क्या हो सकता है, एक तो डेप्रिसिएशन घटने का रीजन हो सकता है। अगर एडजस्टमेंट में दोगे तो आप यहां डेप्रिसिएशन लिखोगे और फटाफट से यहां से बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो वो हमेशा क्या निकलेगा, परचेज, जिसको हम डिनोट करेंगे बैंक और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। क्या सर ये वर्किंग नोट करना मैंडेटरी एग्जाम में, इट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके आंसर का पार्ट है तो मैंडेटरी है। दूसरी बात करते हैं बाय साइड में, तो सर बाय साइड में क्या आएगा, और इसके अलावा और सेल आ सकता है बैंक से, क्या आएगा, सेल, ठीक है। अब मुद्दे की बात, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस किस का कहां कहां इस्तेमाल होना है वो भी, तो एक तो इसका इस्तेमाल होना है, कहां जाएगा बताइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर मैं इसका बीडी की बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, सर ओए, ओए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्या होता है ये प्लस हो जाता है, ये भी लिख देता हूं। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खरीदा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, समझ रहे हो। इसके बाद बैंक फॉर सेल जो लिखा है ये भी जाएगा क्या, ये भी जाएगा, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, बिका तो पैसा आया इसलिए प्लस हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस सीडी कहीं जाएगा हमारा, नहीं जाएगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन का सिंपल वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट क्विकली मैं रिव्यू कर देता हूं, डेप्रिसिएशन दो तरीके से हो सकता है, एक सिंपल नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, इस पे चर्चा अभी करेंगे हम, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सिंपल डेप्रिसिएशन के अंदर देखा जाए तो एक जगह ऐसा होगा जहां कुछ बताया ही नहीं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट गिवन होगा। तो जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो क्या होता है वहां पे, जैसे कि वहां पे दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं,
या तो लैंड के सिचुएशन में देखना है या अदर देन लैंड। अगर लैंड आपका वहां पे गिवन है तो ऐसे सिचुएशन में दो बातें होगी, या तो खरीदा होगा या बेचा होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बेचा होगा, और इंक्रीज हो रहा है तो खरीदा होगा। लेकिन अदर देन लैंड, प्लांट मशीनरी फर्नीचर कार मोटर व्हीकल्स जो भी है, उस केस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज मानेंगे, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा आपको कंसीडर करना है डेप है, अनटिल अनलेस जब तक आपको क्वेश्चन ना बोल दे। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा, प्लांट हमारा घट रहा है तो इसके बीच का जो 20,000 रुपये है इसको कंसीडर क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन। ये भी हमारा घट रहा है लैंड, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करना, सेल कंसीडर करना है। और यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, परचेज। आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है हमारा, जब भी एडजस्टमेंट गिवन होगा तो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अकाउंट। अकाउंट में बैलेंस बीडी लिखा, बैलेंस सीडी लिखा, अब इधर से कम हो जाएगा बाय साइड से, डेप्रिसिएशन बाय साइड में, सेल भी बाय साइड में, और बैलेंसिंग फिगर परचेस निकलेगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटी होगा बता दिया। तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट करिए, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा प्रोविज़न या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले हमने करा था कौन सा, डेप्रिसिएशन का। इसके अंदर दो पार्ट है, विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट समझाने से पहले मैं आपके सामने, मैंने दो बैलेंस शीट बनाया है। दोनों बैलेंस शीट में सर फ़र्क क्या है, इस वाले बैलेंस शीट में मैंने मशीनरी यहाँ रखा और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और बचा कितना, 9,000। ये नॉर्मली हम स्टार्टिंग से करते आए हैं। दूसरा, मैंने बैलेंस शीट के मशीनरी यहाँ लिखा और उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस पूछूं कि क्या फ़र्क है सर, तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर कभी भी हम ऐसा काम करें कि मशीनरी में से डेप माइनस ना करके उसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते रहें, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलता है आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया या डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से कर रहे हो।
अगर मैं इसी का दूसरे साल में चला जाऊं, आपके सामने लिख रहा हूं, इसी के मैं दूसरे साल में चला जाऊं, मान लेते हैं मशीनरी लिखा और मशीनरी में कितने रुपए लिखा, अब बचेगा 9,000, है ना। SLM में अगेन फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपये, तो बचेगा कितना हमारा 8,000। ये बैलेंस शीट है। सेम ऐसे अगले पॉइंट में चले जाएं, अगले पॉइंट में बैलेंस शीट अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मेरा मशीनरी जो होगा वो अगेन हमारा होगा 10,000 ही, और जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगा 1,000 तो पुराना होगा, ऐड हो जाएगा न्यू वाला PFD 1,000 और ये आ जाएगा 2,000। तीसरे साल जब जाएंगे यहाँ पे 8,000, फिर 1,000 माइनस होकर 7 बचेगा, लेकिन यहाँ पे मशीनरी कितना होगा 10,000 और डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो जाएगा 3,000। तो बेसिकली आप बोलते हो ना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्या है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट में सर यही फ़र्क है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हम मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन किस में से माइनस करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को अलग से लाइबिलिटी में दिखा देते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एडजस्टमेंट हो चाहे विदाउट एडजस्टमेंट हो, यहाँ पे आपको समझने वाली दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको समझने चाहिए। क्या क्या समझना चाहिए, सबसे पहले एक समझना चाहिए बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू सर, बुक वैल्यू का मतलब होता है जब डेप्रिसिएशन माइनस करके ये जो बैलेंस बचता है इसको कॉल करते हैं बुक वैल्यू। इसका मतलब होता है आज की तारीख में 9,000 की मशीनरी बिक जानी चाहिए अगर बेचने जाए। अगर आप 8 का बेचते हो तो नुकसान हो जाता है, और अगर 10 का बेच देते हो तो फायदा हो जाता है, समझे। सेम ऐसे अगर यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पे बुक वैल्यू ऐसे वाले मेथड में, पुराने वाले मेथड में बुक वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो होता था माइनस होके आ रहा था, तो बुक वैल्यू ऑलरेडी है। यहाँ बुक वैल्यू बोलोगे 9, यहाँ बोलोगे 8, लेकिन इस वाले में बुक वैल्यू फाइंड करना, तो बताओ इस वाले में बुक वैल्यू क्या होगा 10 में से 1, यहाँ वाले में बुक वैल्यू क्या होगा 10 में से 8। तो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है सर, बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस रेट पे हम मशीनरी को आज बेच दें तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर बुक वैल्यू से ऊपर नीचे आप गए ना उस एसेट्स को बेचने में, तो या तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट या हो जाएगा लॉस। समझ में आई बात आपको। तो एक सबसे पहले आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, इस वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आया जी बुक वैल्यू क्या होता है। अगर मैं आपसे बुक वैल्यू का फॉर्मूला अगर पूछता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ बुक वैल्यू क्या होता है, इधर लिख देता हूँ आपके लिए बुक वैल्यू, अगर मैं आपसे बुक वैल्यू पूछूं तो आपका होगा मशीनरी का वैल्यू माइनस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं PFD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसको एक और नाम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आ गया हमारा क्या बुक वैल्यू। और आपसे अगर मैं पूछूं प्रॉफिट या लॉस, ये मिटा देते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था। अगर मैं आपसे पूछूं एसेट्स पे क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप अगर प्रॉफिट निकालना चाहो या फिर आप लॉस निकालना चाहो तो आप क्या करते हो, सिंपल सी वैल्यू सेल में से आप माइनस करोगे हमेशा BV, कर देता हूँ बुक वैल्यू, ठीक है। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, सभी बच्चों का कमेंट में भी जवाब आना चाहिए और साथ के साथ जो ऑफलाइन ले रहे हैं वो भी दे जवाब। मान लेते हैं मेरा मशीनरी 2,00,000 का है और मैंने बताया PFD 25,000, तो बताइए इस मशीनरी में से ये वाला जो डेप्रिसिएशन है माइनस हुआ होगा क्या, नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब कभी भी मैं अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताऊंगा तो माइनस हुआ ही नहीं होगा। तो सबसे पहले, और मैंने इसको सेल कर दिया मान लेते हैं 80,000 रुपये का, तो इस पे होने वाला आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। चलिए देखते हैं कौन बताता है इस पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या आएगा। जो लाइव क्लास में बच्चे हैं वो भी बताएं। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको जानकारी चाहिए बुक वैल्यू का। सेल में से क्या मानिए माइनस करोगे बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए मशीनरी में से माइनस PFD, तो PFD माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75 का। तो अगर आप ध्यान दें तो 80 का सामान बेचा आपने और 75 का आपका सामान था, तो इट मीन्स आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे। अरे का कौन से दुनिया में हो, अच्छा 2 लिख रखा है, चलो 2 की जगह 1 कर देते हैं, के कर रखा है मैंने वो भी, चलो ठीक है। तो 1,75,000, 80 और 5,000 रुपये का क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से निकालना है, बाकी आने वाले क्वेश्चन में काफ़ी करेंगे।
तो सर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो आपको पता कैसे देते हैं? सबसे पहले फिक्स एसेट्स को कभी भी बैलेंस शीट में ढूंढोगे या कैश फ्लो में गिवन होगा तो फिक्स एसेट्स नहीं लिखेगा, मशीनरी नहीं लिखेगा, उसके नोट में जाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट में, जैसे हमने किया हुआ है। तो सर यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नाम से बोलेगा वो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं मैं अपने हिसाब से समझाने के लिए लिख रहा हूँ मशीनरी। सर मशीनरी यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 7 लाख, और लेस कर देता हूँ PFD में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने 1 लाख और मैंने कर दिया 120, ठीक है 1 लाख और 120, और ऐसे माइनस करके निशान डाल के, और हो सकता है माइनस करके निशान डाल के छोड़ दूँ, या ये भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 लाख और यहाँ पे लिख दूँ कितने 5,80,000। यहाँ पे मुद्दे की बात है आपको डेप्रिसिएशन निकालना, और कुछ नहीं दिया आपको एग्जामिनर ने, कुछ ऐसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दे रखा है। ये क्या है सर? ये जो मैंने बनाया ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। तो ऐसे सिचुएशन में जो करंट ईयर का डेप होगा ना, हमेशा जो डिफरेंस होगा ना इस डेप्रिसिएशन का बीच का, वही क्या माना जाएगा? करंट ईयर का डेप। तो करंट ईयर का डेप होगा आपका, करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो होगा हमारा 1 लाख में से माइनस 120 में से 120 का अब है डेप्रिसिएशन, पहले कितना क्या था 1 लाख। तो आप समझ लो ना कि 1 लाख से 120 हो गया, तो 20,000 रुपये का और डेप्रिसिएशन लगा होगा, तभी तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू बढ़ा है। अभी बताया था ना 1,000 से 2,000 हुआ था, कब हो रहा था? जब कुछ हम बैलेंस लगा रहे थे। तो सर इसके बाद अगर देखा जाए आगे टू बी कंटिन्यू, तो इसके अंदर और भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसमें तो परचेज भी निकाला जा सकता है, हम परचेज की बात बाद में करेंगे, सिर्फ हम अभी डेप्रिसिएशन सीख रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो आपने 20,000 रुपये निकाला है वो चला जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारा, कहाँ पे ऐड हो जाएगा? नेट प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट कहाँ होता है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई एडजस्टमेंट था, आपको एक बैलेंस शीट दिया और उसकी मदद से आपने क्या निकाल लिया? डेप्रिसिएशन। परचेज वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, समझ में आई बात आपको? तो ये होगा आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट के बाद थोड़ा और आगे जाए तो हमारा क्या है? विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट जब भी होगा आपको एक काम करना होगा, आपको प्रिपेयर करना होगा अकाउंट। सर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है दो, एक करना है एसेट्स अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और एग्जामिनर का वन ऑफ द, मैं मान के चलूं एडजस्टमेंट, तो देखो 6 भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं क्वेश्चन में, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जिसमें से एग्जामिनर कोशिश रहती है कि ये वाला एडजस्टमेंट डाले ही डाले, एग्जामिनर की कोशिश रहती है। एक पीएफडी वाली कोशिश रहती है कि डाल दें, और एक ये वाला। तो यहाँ पे एक बनाएंगे हम फिक्स एसेट्स अकाउंट, और ये एडजस्टमेंट ना बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर मेरी बातों को आप मानो तो मुझे तो ये वाला आसान लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि आप एक चीज़ मैंने इसमें समझ लिया है और उसी चीज़ को मैं पकड़ के मैं समझता भी जा रहा हूँ शुरू से अब तक, PFD, और मैं समझाता भी जा रहा हूँ। ये हमारा होता है एसेट्स और PFD होता है लाइबिलिटी, एक तो ये दिमाग में रखना है। बैलेंस शीट बनाया था ना अभी, वहाँ बताया था। तो ये है एसेट्स, ये है लाइबिलिटी, इसका पर्टिकुलर अमाउंट और सर इसका बस बैलेंस BD अगर आपको पता चल रहा है ना कि बैलेंस BD सर यहाँ हम फिल कर सकते हैं तो आपकी समस्या खत्म। अगर इसकी बात करूँ नेचर वाइज, तो ये नेचर वाइज लाइबिलिटी होता है और नेचर वाइज फिक्स एसेट्स तो एसेट्स ही है। इसका बैलेंस जी इधर लिखा जाएगा, इसका बैलेंस किधर लिखा जाएगा? टू बैलेंस BD। अब मैं इसी क्वेश्चन की एग्जाम्पल लूँ तो ये बैलेंस किसका? एसेट्स का है, तो मैं यहाँ 5 लाख लिखूंगा, और इधर ले बैलेंस CD, तो इधर बैलेंस CD क्या आएगा? 7 लाख। और PFD का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? बैलेंस BD, और टू साइड में जाएगा, टू बैलेंस CD। समझ में आ रहा है? अगर इतने छोटा सा काम, इतना सिंपल सा काम अगर आपको समझ में आता है ना, तो फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कभी भी कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होने वाली। अब मैं एक चीज़ और पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, बताइए इंक्रीज किधर से होगा? ये फिक्स एसेट्स अकाउंट है, टू साइड से, और डिक्रीज किस साइड से होगा? डिक्रीज होने के दो ही रीजन बताए, या तो डेप हो सकता है या सेल हो सकता है। और ये लाइबिलिटी है तो इंक्रीज किधर से होगा? बाय साइड से। इंक्रीज होने का मात्र एक ही रीजन है कि आपने और डेप लगा दिया। जैसे कि आपने देखा पहले साल बैलेंस शीट में मैंने 1,000 लगा रखा था और दूसरे साल कितने हो गए थे, तो करंट ईयर का डेप लगता है तभी बढ़ता है ये।
और घटने का रीज़न क्या है, अगर हम किसी भी मशीनरी को बेच देते हैं, या मैं कह दूं कि इसमें से अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो किधर लिखेंगे हम, बाय में या टू में, क्योंकि टू में निकाल के घटा देंगे। ठीक है, लॉजिक ये कहता है ये जो अकाउंट है हमारा प्रोविजन फॉर अकाउंट, ये लाइव यानी मैं जिंदा अकाउंट बोल सकता हूं, ठीक है ना, मतलब वो अकाउंट है जिसके अंदर उसी मशीनरी के डेप्रिसिएशन को रहने का हक है जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में है। अगर कोई मशीनरी हमारे पास है ही नहीं तो उसका डेप्रिसिएशन इसमें रहने का अधिकार नहीं है, तो उस सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा यहां से, और उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन अगर निकालना पड़े तो मैं टू से निकाल के बाहर करूं या बाय से, बाय से करूं या फिर टू से, टू से निकाल के बाहर करेंगे। आपने बोला सर ये यहां से माइनस हो जाएगा और ये यहां से प्लस हो जाएगा, समझे, तो सर यहां पे जब कभी भी कोई एसेट्स बिक रहा होगा तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा और उसका डेप्रिसिएशन यहां ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट में, क्या टोटल डेप, और टोटल डेप किसका सर, जो मशीनरी बिक रहा है उसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे अभी मैं लूंगा एक एग्जाम्पल भी लिखूंगा, इसे इरेज कर दूंगा, एक एग्जाम्पल लेके पूरा कराऊंगा, बस पहले भी समझ लो थीम क्या है। ठीक है सर, इस साइड क्या आएगा, इसका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर तो आप समझ सकते हो किधर निकलने का फेवर में ज्यादा है, बाय साइड, तो यहां पे जो होगा वो करंट ईयर का डेप आएगा, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, ये डेप्रिसिएशन है जो कि इस साल का है, करंट ईयर का डेप है। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स है ना, तो ये एड्रेस बता रहा है, क्या एड्रेस है कि तुम जाओ फिक्स एसेट्स में, एड्रेस क्या है, तुम फिक्स एसेट्स में चले जाओ, तो यहां से फिक्स एसेट्स में जाएंगे तो फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन अगर लगाना हो तो किधर लगाएंगे हम, बाय साइड में, कहां डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन लगा देंगे, यानी अगर मैं सिंपल डॉट डॉट अगर मैं इंडिकेशन दूं तो ये है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मशीनरी बिक गया उसे बिकने का तो फिर कम हो जाएगा इधर, इधर बैंक से सेल लिख दिया हमने, ऐसे सिचुएशन में यहां पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो बैंक से क्या निकल जाएगा, परचेज, और इधर ही निकलेगा ज्यादा से ज्यादा केसेस में। अब मैं बताऊंगा कैश फ्लो में दो अमाउंट का कोई जगह नहीं, एक बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, और एक कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब जंप करता है उसकी कोई जगह नहीं है कैश फ्लो में। तो अब आप यहां पे बताइए, एक बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी की कोई जगह नहीं है कैश फ्लो में, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन, ऐसा कौन सा अमाउंट है जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसकी कोई जगह नहीं है कैश फ्लो में, इसका कहीं नहीं जाएगा। तो मैं अगर यहां पे कट लगा दूं, कट का मतलब कहां गया, नहीं और दूसरा वो तो खत्म है सारे, मैं अगर बताऊं सर इसका कैश फ्लो में कोई नहीं है, इसका कैश फ्लो में कहीं नहीं, इसका कैश फ्लो में कहीं नहीं, और इसका भी कैश फ्लो में, क्योंकि नीचे से ही आ रहा है, दोनों जगह जा रहा है ना, कुछ काम नहीं है, और इसका भी कैश फ्लो में कुछ काम नहीं है, इसका भी कैश फ्लो में कुछ काम नहीं है, बस, यानी जानकारी वाली बात करें तो क्या क्या जानकारी कैश फ्लो में लिया जा सकता है, एक तो हम ले सकते हैं परचेज, ये किसका पार्ट होगा बताइए, अगर एसेट्स परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो पहली बेसिक क्लास में मेरा एक घंटा लेने का, 10 मिनट जो भी हमने टाइम बिताया लेने का पर्पस यही था, समझ आ जाए कि ये चीज़ तो इन्वेस्टिंग का है, ये फाइनेंसिंग का है, ये ऑपरेटिंग का है, अगर ये बात समझ में आता है तो हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं। तो ये इन्वेस्टिंग में परचेज क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सर बैलेंस बीडी का कुछ नहीं करना, ये डेप का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डेप ट्रांसफर हो गया है, ये सेल है, तो सेल कहाँ जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ये प्लस, सेल से हमारे पास पैसा आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस अकाउंट में कोई भी इस्तेमाल करने वाली बात ही नहीं है, बताइए क्या बीडी इस्तेमाल करेंगे, इसका करना था कर लिया, क्या डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ट्रांसफर वाला आइटम है, क्या हम सेल कर चुके हैं, सीडी का नहीं होगा। सर इस अकाउंट में से सिर्फ एक ही ऐसी बात नजर आ रही है जिसका यूज होना है कैश फ्लो में, कौन सी बात आपको लग रही है जिसका यूज होना है, पी एंड एल से डेप, बाकी तो मैंने क्रॉस ही लगा दिया, तो ये चला जाएगा कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ये नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब बनाना है, जब आपको एडजस्टमेंट गिवन हो, एडजस्टमेंट में क्या गिवन हो, या तो एसेट्स को सोल्ड करने की बात कर रहा हो ये, या आपको परचेज करने की बात कर रहा हो, ठीक है, दो बातें अगर बोलता है और वहां पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है क्वेश्चन में, तो फट से अकाउंट बना लेना ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय,
उससे काम क्या हो जाएगा आसान। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर देता हूँ, आप मुझे बताना, या पहले आप नोट करोगे फिर मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया, बाकी आप पॉज करके जो बच्चे देख रहे होंगे लाइव वो बाद में इस वाले हिस्से को नोट कर लेंगे। मैं इसके नीचे ना कुछ एग्जांपल इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन और इस एडजस्टमेंट की मदद से इस वाले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। समझे बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर वन पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड ₹5,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ₹3,000, कॉस्ट प्राइस 7,000। तो मुद्दे की बात है सर, हमने एसेट्स जो बेचा 5,000 का, उसका पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, यानी उसके जीवन भर की डेप्रिसिएशन कितनी है 3,000, और उसका कॉस्ट प्राइस था कितना। तो पहले तो इस एग्जांपल को देख के मुझे ये बता दीजिए कि आपको इस ट्रांजैक्शन में हुआ मुनाफा या हुआ प्रॉफिट या लॉस, जो भी मैं बोलना चाहूँ प्रॉफिट। यहाँ पे एक बात और आएगा, मैं लिखना भूल गया, और पिछले वाले अकाउंट में भी नहीं लिखा, लिख लेना, इधर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और यहाँ पे आता है क्या लॉस, और अगर प्रॉफिट निकल रहा होगा तो इधर क्या आ जाएगा प्रॉफिट। इस बात का बस ध्यान रखना, मैंने थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया, आप नोटिंग अच्छे से कर लोगे। और पिछला वाला जो अकाउंट किया था ना हमने सिंपल वाला, उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका तो यही रहेगा ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बुक वैल्यू निकालना है, और बुक वैल्यू निकालना है तो मशीनरी का मतलब क्या है सर, ये कॉस्ट है, कॉस्ट में से पीएफडी माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे बुक वैल्यू आप आकर आ जाएगा 7,000, 4,000, तो 7,000 में से माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो कि कितने आ रहे हैं हमारे 3,000, तो ये कितने का हो गया 4,000, और 4,000 का सामान सर आपने अगर 5 का बेचा है तो 1,000 का मुनाफा है। समझे बात सर, अकाउंट्स में कैसे प्लॉट करेंगे, अकाउंट्स में प्लॉट करने के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, और मैं अकाउंट के बाहर बाहर सामने सामने लिखूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। किधर गया, अभी तो यही था एक मार्कर, ये रहा। मैं अकाउंट के साइड साइड में लिखता हूं, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत मैसअप हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। मैं या इस कॉलम को मिटा दूं क्या, इसके जगह अमाउंट, पहले तो ये नोट करना, देखो जो बच्चे वीडियो क्लास में है लाइव क्लास में, बाद में जब नोटिंग करोगे तो पहले तो ब्लैंक फॉर्मेट नोट करना, और जो बच्चे ऑफलाइन में फटाफट इमेज क्लिक कर लो ताकि मैं यहाँ चेंज करूँ, उसको नोट करना है, और जो लाइव क्लास में बच्चे हैं उसका आ जाएगा। बताइए किसी का अगर डाउट है तो फटाफट बता दीजिए, लाइव क्लास वाले बच्चों का मैं डाउट भी ले लूँ, अभी तक जितना समझाया, बाकी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा अभी बताऊँगा। चाहत जेवा आप बहुत एबसेंट रहते हो क्लास में, क्या प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, ये ओटीपी के लिए ले लो, ओटीपी चाहिए होगी ना तो ले लो इसमें से। चलिए आप सभी ने नोट कर, इमेज क्लिक कर लिया, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें से सारे इंफॉर्मेशन जानकारी मिटा देता हूं ये जो है, और इसी अकाउंट को मैं प्लॉट करके बताता हूं जैसा बताया था वो होगा या नहीं होगा, ये लॉस तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए इसको करें स्टार्ट, फिल करना चालू कर रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस BDCD लिखेंगे, याद होगा रेड कलर का मैंने पहले ही लिखा, मशीनरी का बैलेंस BD कितने का है और ये कितने का है, लिख लिया जी। पहले बैलेंस BDCD लिखो, एडजस्टमेंट क्या लिखा मुझे नहीं मतलब अभी, अब प्रोविजन का बैलेंस BDCD लिखेंगे, प्रोविजन का क्या है, अब एक काम और करना है, जो मशीनरी बिका है उसका टोटल डेप बता दो, तो जो मशीनरी बिका है उसका टोटल डेप, तो ये मशीनरी मैंने बताया ना, इस मशीनरी में उस डेप का रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मशीन बिक गया है तो आपको पता है यहाँ से निकालना है कितने है? और ये 3,000 अगेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मैंने हालांकि यहाँ पे डेप लिखा है, डेप वर्ड गलत है, यहाँ पे PFD लिखना आप, क्योंकि प्रोविजन से वहां जा रहा है, ठीक है।
आगे देखते हैं। सबसे पहले अब बोला गया कि बेचा है, तो बेचेंगे कहाँ? यहीं पे बेचेंगे। कितने का बेचा? पांच का बेच दिया, तो लो जी पांच का बेच दिया। तो पहले तो बैलेंस बीडी और सीडी, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि अब जब बेचा है तो अब हमें जानकारी लेना है, हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट पे बेचा या फिर। तो अब जो भी आपने निकाला, तो यहां देखा आपने 4000 रुपए का सामान बन रहा था और उसको बेच दिया हमने 5000 में, तो यहां क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट को हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे जो आ जाएगा 1000। समझ में आ रही है बात आपको? अगर वही लॉस निकलता आपके कैलकुलेशन से तो इस साइड आ जाता लॉस में, खत्म। अब बस आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, एक बार बैलेंस बीडी और सीडी पुट कर लो, उसके बाद जो एसेट्स बिका है और उसका टोटल डेप का जानकारी डाल दो, बैलेंस सीडी। यहां से देखोगे तो ये कितने हो जाते हैं, 5000 और 3800, 7,08,000, ठीक है, 7,08,000। डिफरेंस माइनस करेंगे तो निकलेगा परचेज, और परचेज निकलेगा 1,260 इधर 8 है तो 60 कैसे आएगा? अच्छा एक ये भी है ना, तो 2,07,000 मैंने सिंपल लिख दिया, 2,07,000। अब यहां से भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, यहां का टोटल क्या होगा? 3 और 120, ये लैक है, मैंने के कर रखा है, तो 1,23,000। और इधर भी क्या आएगा? 1,23,000। देखो मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, वैसे तो हमने फॉर्मेट समझ लिया। अब यहाँ डेप निकलेगा, 1,00,000 माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन 23,000। अब देखिए मैंने अभी भी एरो लिख ही रखा है, ये जो परचेज निकला ये कहाँ चला जाएगा? अब ये जो प्रॉफिट निकला है ना, इसके बारे में नहीं बताया था, तो ये चला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और माइनस हो जाता है। आपको याद होगा फॉर्मेट में मैंने लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और सर लॉस निकलता है तो वो ऐड हो जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये हो गया, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में, इसका कहीं जाना नहीं है, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में और बैलेंस सीडी का कहीं नहीं जाना, इसमें से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन। तो देखा जाए इस अकाउंट से जानकारी यूज जो हो सकता है, 1, 2, 3 और 1, बस 4 जानकारी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से ट्रीटेड होगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन कितनी है? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 में से सिर्फ 4 ही इंफॉर्मेशन कैश फ्लो के अंदर माइनस या प्लस इनकॉर्पोरेट करने ले जाएंगे। तो फिर से बात मैं कहूं तो बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो 4 तो यही हो गए, ये हट गए। कोई अकाउंट एक दूसरे से जब इंटरचेंज ट्रांसफर होता हो रहा होता तो उसका भी नहीं होता, तो वो भी मैंने हटा दिया। समझे बात, मुद्दे की बात, कोई दिक्कत? क्लियर। अब फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इमेज तो ले ही लिया, अब जिसने नहीं कर रखा इसका भी इमेज ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा और फिर आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे उसका, ठीक है? ठीक है, चलिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल है जो अभी करा था हमने टॉपिक उससे रिलेटेड, और ये आपको करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिखूंगा और उसके आंसर को आप टैली कर लोगे, ठीक है? पहले मैं थोड़ा टाइम आपको दे रहा हूँ करने के लिए। मैंने लिखा यहाँ बिल्डिंग, एक लाख और 3,00,000, लेस कर दिया यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 और 30,000, बस ये जानकारी यहाँ है। बैलेंस शीट में केस नंबर वन बैलेंस शीट में क्या है? केस नंबर वन में क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है बिल्डिंग कॉस्ट 5,000 सोल्ड एट 1,000 ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000। केस वन, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा केस अलग अलग टाइप से करना है। सेकंड केस, मैंने कहा बिल्डिंग कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 2,000 डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट
ऑन बिल्डिंग 1000, ऑन बिल्डिंग 1000। इसके बाद केस नंबर 3, बिल्डिंग सोल्ड रुपीस 6000, बुक वैल्यू 4000, जिसकी कॉस्ट थी 6000। 3 केसेस। केस नंबर 4, ₹5000, बिल्डिंग फुल्ली डेप्रिशिएट, या ये रहने देते हैं। इसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट 5000, सेल 3000, एट प्रॉफिट 2000, ये लॉस कर देते हैं, बहुत देर से प्रॉफिट कर रहे हैं, एट लॉस 2000। ठीक है, इस केस में भी मुझे 4 ही बातें जाननी है मेनली, जो यूज हुआ था। यहाँ पे भी चार बातें। सर, 4 बातें कौन सा? एक तो मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप निकाल के बताओ, किसका? तीनों केस के लिए। केस नंबर 1 के लिए भी मैं नीचे आंसर लिखूंगा, ताकि केस नंबर 2 के लिए भी और केस नंबर 3 के लिए। और क्या चाहिए सर? और चाहिए मुझे प्रॉफिट या लॉस, तीनों केसेस के लिए बताना है। और क्या चाहिए मुझे? और चाहिए मुझे सेल का वैल्यू, किसके? तीनों के लिए। तो देखो, एक ये यूज हुआ, एक ये यूज हो गया, एक ये, और एक चाहिए मुझे परचेज का वैल्यू। तो मुझे आप तीनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व करके बताइए कि सर पहले केस में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। अगर आप बोलते हो पहले केस की बात, तो मैं कोशिश करूं, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे पहले बताओ। जो लाइव बच्चे देख रहे हैं कमेंट में बताइए, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फटाफट बताइए। आप हो जाएगा तीनों केस, पहले केस में आप बताना। मैं रफली यहाँ पे अपने लिए पहला केस मैं कर रहा हूँ, आप मेरे से पहले करके दिखाइए जल्दी। मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग अकाउंट, मेरे को तीनों चीज़ें चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं, 4 चीजें इनफैक्ट। देखो, कितना भी मैं सोच रहा हूं कि मैं तो बिना उसके भी कर लूंगा, मैं भी आंसर डायरेक्ट लिख लेता, और ये चीजें बच्चों को भी रहता है कि ये तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं, गलती के चांसेस हो सकते हैं, हम प्रॉपर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, इसका BD यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25,000, और यहाँ आ जाएगा 30,000। पहले केस में कहता है कि कॉस्ट 5,000 रुपये का, सोल्ड कर दिया 1,000, तो सोल्ड किया है तो यहाँ सबसे पहले बैंक में लिख देते हैं, बैंक से सोल्ड हो गया 1,000 रुपये का, और PFD था उसके ऊपर 3,000। तो अगर 5,000 था कॉस्ट, 3,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा 2,000। तो हमारा जो बुक वैल्यू आया ना पहले वाले एसेट्स का 5,000, और उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन कितने का है? 3,000 का। तो सर, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन निकल के आया, वो निकल के आया 2,000, बुक वैल्यू 2,000, और 2 का सामान हमने बेच कितने का दिया? मैंने बेच दिया 1,000 का, तो यानी लॉस हो गया यहाँ। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 1,000 का लॉस। यहाँ से हम लिख देंगे बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग में जो डेप लगा है वो लिखेंगे, और डेप कितने का है जी? डेप हमारा 3,000 का है। तो लो जी, ये ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम? 33,000,
33,000, और 33,000 में से अगर आप 25,000 माइनस कर दो तो 8,000 बचता है। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का है, और ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय पीएफडी के नाम से, जो कि हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं बाहर 3,000। दैट्स इट, ख़त्म हो गया। 3,05,000, और ये भी आ गया 3,05,000, और यहाँ पे टू बैंक से क्या निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा, और आ जाएगा हमारा 2,05,000। तो पहले केस का अगर मैं डेप्रिसिएशन करंट ईयर की बात करूँ तो है 8,000, और अगर लॉस बात करूँ तो यहाँ पे लॉस है कितने का, 1,000 रुपये का लॉस। ब्रैकेट में लिख दूँ, सेल की बात करूँ तो सेल कितने का था, 1,000 रुपये का, और परचेज की बात करूँ तो 2,05,000। देखो पहला केस तो मैंने ईमानदारी से किया, आपको भी करना है। एक केस और ऐड कर देता हूँ, केस नंबर 5 जो मुझे याद आ गया। केस नंबर 5, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 7,000, बिल्डिंग बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट 8,000, 7 के बजाय 7, हाँ ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट 8,000, सोल्ड एट 6,000। चौथा, पांचवा जो केस बनाया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। आप पहले वाले केस का मैंने आंसर निकाल दिया, दूसरे का कोई बता सकता है मुझे? आप भी कमेंट में देंगे लाइव वाले बच्चे, दूसरे का आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो जाती है तो वो भी कमेंट में लिखें। पहले केस का मैंने लिख दिया, दूसरे केस का बताएं आप। पहले का निकाल लिया, भाई लाइव क्लास में वो फटाफट जवाब दीजिए, आप सब एकदम शांत बैठे हैं। इनफैक्ट 4 नहीं 5 केसेस हैं यहाँ पे, 4 और 5 आपके एग्जाम हैं अगस्त में, और अगर आपने ये हालात रखा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको फटाफट जवाब देना है, सिर्फ 1 महीना बचा है आपके पास, सिर्फ ओनली 1 मंथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो फटाफट से रिवाइज भी करना है सभी बच्चों को। जितने पिछले चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं यूनिट फर्स्ट, वो पूरा रिवाइज करें। शेयर कैपिटल, बोनस, इक्विटी जो भी है वो पूरा रिवाइज करें। फाइनल अकाउंट अभी रिसेंटली सारा रिवाइज करें आप, नहीं तो लास्ट में इतना पजल होंगे ना। बीकॉम प्रोग्राम का पेपर इतना टफ आया था ना, पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हो जाके, यूट्यूब पे भी मैंने डाला था वो वीडियो। लिटरली बच्चों को पता नहीं आया था क्वेश्चन, बस देख के और क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें समझ नहीं आया था। उसका एक ही रीज़न था कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। मैं इतने सारे केसेस क्यों लिख के करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपका टफ भी आ जाए ना तो आप टेकल कर पाओ। नहीं तो मुझे ये करवाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना टाइम मुझे इसमें नहीं लगाना था। मुझे क्या करना था, सिंपली एक क्वेश्चन कराया, ऐसे कराया जी, छुट्टी हो गया। मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ, पेपर आएगा टफ तो करिए मेहनत उसके ऊपर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा केस एक बार मैं देखता हूँ प्लॉट करके मेरे से क्या निकलता है। यही सारे तो मिटाने हैं, BDCD तो मिटाएंगे नहीं हम यहाँ पे। चलिए दूसरे केस में कहता है, बिल्डिंग कॉस्टिंग 5,000, सोल्ड 2,000 के प्रॉफिट पे, और जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका था 1,000। तो यानी कॉस्टिंग है और ये है, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारा, देखा जाए, मैं यही माइनस कर देता हूँ, 4,000 रुपये का बुक वैल्यू है। 4,000 का सामान आपने बेच दिया 2,000 का, तो आगे आपका लॉस 2,000 रुपये का, और 2,000 का लॉस के बाद आपने बेचा कितने का, ये
सर यहाँ पे बेचा है आपने दो, अच्छा 2000 के प्रॉफिट में बेचा है, इसका मतलब यहाँ पे सेल निकालना होगा, ध्यान देना। तो 4000 का सामान 2000 का प्रॉफिट, तो कितने का आएगा 6000, तो बैंक से बिकेगा कितना 6000 का। पीएफडी निकाल के बाहर करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जी प्रोविज़न 1000 है, तो 1000 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद टोटल वोटल छोड़ते हैं, करंट ईयर का डेप कैसे निकलेगा, टोटल करेंगे 31 और ये आ जाएगा 31, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो ये भी 6000 आ गया। यहाँ से आपका प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा तो कितने होते हैं 3000 प्रॉफिट, हाँ तो डेबिट में टोटल कर रहे हैं ना हम, यहाँ क्या टोटल आ रहा है 3 लाख, ये अच्छा प्रॉफिट है आपका, तो बिल्कुल सही जवाब प्रॉफिट 2 में आएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितने का 2000 का, ठीक है। अब 6 × 7 3,07,000, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं कुछ भी गलती करूँगा फट से पकड़ लोगे आप, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस नोट कर लोगे आँख बंद करके आप, कितने आ रहे हैं 3 लाख, 2 माइनस होगा ना 3,07,000 में से 2 लाख, फिर से 5 हाँ ठीक है, चलो अगेन पहले जैसा ही आ गया 2,5। तो दूसरे का आंसर क्या है जी, हमारा डेप्रिसिएशन लगा कितने का है 6000, तो बताया था दूसरे 6000, 2000 रुपये का प्रॉफिट है, 7000 रुपये का क्या आया 6 आएगा, ये गलत हो गया था, और इसके बाद 2,08,000 की जगह पे आएगा 2,5, समझे। केस नंबर 1 भी कर लिया हमने, 2 भी कर लिया, आपको मौका भी दिया करने का। केस नंबर थ्री बताइए, चलो केस नंबर 3 बताएं, वही तो चीज, चलो मैं करता हूँ यहाँ केस नंबर 3 का भी आंसर। देखो मैंने आपको समय दिया है, और जो बच्चे ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं और वो थोड़ा सा पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें तब मेरे आंसर को देखना, सिर्फ आपको आंसर नहीं देखना फिर अच्छा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ठीक से, ठीक है। तीसरे केस के लिए अगेन बैलेंस बीडी, अच्छा बैलेंस बीडी भी मिटा दिया, ये लो 1 लाख 3 लाख 25,000 30,000। अब कहता है तीसरे केस में बिल्डिंग सोल्ड किया है हमने 6000 का, ठीक है भाई सोल्ड किया है 6000 का, तो ये आ गया 6000। इसके बाद बुक वैल्यू था 4000 जिसकी कॉस्ट थी हमारी कितनी 6, तो इसका मतलब 6000 का अगर कॉस्टिंग है और आज बचा 4 का है, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप आपको निकालना पड़ेगा, इसमें कितने का आ गया, तो पीएफडी 2000 का, यहाँ जाएगा 2000 और इधर आ जाएगा 2000। अब आपको पता है कि जी बुक वैल्यू, यहाँ पे बुक वैल्यू दे रखा है 4 और 6, तो 2000 रुपये का क्या है आपका प्रॉफिट, तो 2000 रुपये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, समझे। सिंपल सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया, यहाँ से क्या आ जाएगा 32000 और 32000, और 7000 रुपये का क्या आ जाएगा डेप, और ये 7000 रुपये का डेप, और यहाँ से ये 2000 यहाँ चले गया और यहाँ पे हुआ प्रॉफिट, यहाँ से कितने आ जाएंगे 6,05,000, 6 लाख नहीं नहीं 3,05,000, 5 भी क्यों होगा 3,8 आ गया ये, और ये भी 3,8 आ गया, 3,8 में से माइनस कर देंगे अगेन क्या आ जाएगा 2,04,000 6,000। तो तीसरे का सवाल का जवाब डेप्रिसिएशन कितना, अरे करंट ईयर का, ये करंट ईयर का डेप लिखा है ना 7000, कितने का बेचा, कितने प्रॉफिट पे बेचा सर 2000। सर यहाँ पे सेल कितने का किया इसने, सेल किया यहाँ देखो 6000, और सर यहाँ पे मशीनरी कितने का खरीदा 2,06,000, ठीक है डन। चलो अब एक बार और टेस्टिंग करो तीसरे क्वेश्चन के लिए, मैं फटाफट मिटा रहा हूँ, आप वीडियो देख के बाद में पॉज करके लिखेंगे जरूर, आप अपने आप से ईमानदारी से अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि वीडियो देख के लिखेंगे, अगर जहाँ आपने ये चीज़ें नहीं फॉलो किया तो एग्ज़ाम में फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। चलिए तीसरे केस में, तीसरा तो हो गया, चौथे बिल्डिंग कॉस्टिंग 5000, सेल कराए 3000 का, लॉस कितना था 2000, तो सर अगर आपने लॉस का बिल्डिंग कितने का कॉस्टिंग है और 3000 रुपये का सेल किया है और लॉस कितने का हुआ आपका 2000 का, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग ये है, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, सेल्स कितने का है 3 का है और सेल जो हुआ है 2000 के लॉस पे हुआ है, इसका मतलब जो मेरा बुक वैल्यू, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ,
3000 का सेल किया है ना, इसको सेल को कर देता हूँ मैं 4000, ठीक है ना, 4000 का आ जाएगा। थोड़ा आंसर लाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो 4000 का बेचा है, उसको भी आपने कितने हजार, नहीं चार नहीं, इसको कम करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ बेचा 1000 का है, अब सही आ जाएगा। 1000 का बेच दिया और लॉस था 2000 का, बेचा 1000 का, लॉस 2000 का, मींस आपका जो बुक वैल्यू का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, बुक वैल्यू का सर फॉर्मूला क्या लिखा था, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या था, बुक वैल्यू सेल्स माइनस में बुक वैल्यू है ना, माइनस में बुक वैल्यू। प्रॉफिट लॉस तो पता है जी, लॉस कितने का है, 2000 रुपये का लॉस पुट कर दिया। सेल पता है कितने का है, 1000 रुपये का। बुक वैल्यू नहीं पता, इसे एक्स मान के प्लस करके निकाल नहीं लेंगे क्या बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितने का आ जाएगा, यानी आपका बुक वैल्यू आ जाता है 3000। तो आपको पता है अच्छे से, अगर बुक वैल्यू 3000 है और कॉस्ट कितने का था 5000, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा, डेप 2000 का क्या होगा, प्रोविजन फॉर, क्योंकि मैंने प्रोविजन आपको बुक वैल्यू का फॉर्मूला बताया। ये क्या पता चल गया आपको, ये पता चल गया सर बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉस्ट माइनस में, तो आपको ये बुक वैल्यू पता चल गया। आपको कॉस्ट पहले से ही पता है 5000, और आपका डेप्रिसिएशन नहीं पता, बुक वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा। तो हर तरीके से दिमाग लगाना है, इसलिए मैं सारे बड़े बड़े एडजस्टमेंट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना छूटे इस बार आपका, ठीक है ना। तो अब इसको अगर प्लॉट करें तो 1 लाख और इधर इधर देखते हैं, सबसे BDCD तो हो गया सर, इसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे सेल कितने का किया, सेल किया है सर इसने, चौथा केस है ना, 1000 का, और ओके, अब PFD निकाल लिया आपने कितने का, 2000, और ये आ गया। और जिनको लग रहा हो थोड़ा फास्ट किया है, तो वो आराम से वीडियो को पॉज करके देखना जरूर, ये एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो कैश फ्लो से बाहर हो जाओगे आप। अब इसके बाद यहाँ पे निकलेगा हमारा लॉस, लॉस कितने का हो गया बाय P&L से, लॉस हो गया 2000 से, ठीक है। और क्या रह गया, BD डाल दिया, सब कुछ तो हो ही गया, तो ये कितने हो गए, 3 लाख और 3 लाख 5000 माइनस से 1 लाख, तो कितने हो गए 2,5। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने हो गए, 32, वही आ गया अगेन 7000। तो सर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 7000। कुछ बच्चे ये ना मान ले के सर सारे क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ये ना मान ले के सारे क्वेश्चन में यही होगा डेप, या 6-7 कई बार कुछ भी हो सकता है। ये कितने का प्रॉफिट लॉस, 2000 का लॉस है, लॉस, चलिए ठीक है। और यहाँ पे सेल हमने कितने का कर दिया, 1000 का, और यहाँ पे परचेज कितने का है, 2,05,000। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, क्लियर। अब चौथा केस भी हमने कर लिया है ना, पांचवा केस मेन जो मैंने डाला है, क्वेश्चन में कहा मैंने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 7000 रुपये, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये मिट गया, ये भी मिट जाएगा, पूरा मिटा दे, पूरा मिटा के क्या करेंगे, BDCD तो छोड़ देते हैं, ठीक है, अब नया ही बन गया क्वेश्चन। अब आराम से धीरे धीरे अलग मार्कर यूज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 7000, जब भी बोले डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि डेप्रिसिएशन जो लगा है यहां से P&L का वो बता रहा है, समझे, जब तक PFD ना बोले। इसका मतलब यहां से आ गया ये 32, और यहां से आ गया 32, और ये 2000 PFD निकल गया, और ये 2000 यहां पे PFD के नाम से चला जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मुद्दे के, सर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 7000 है, बिल्डिंग कॉस्ट 8000 रुपए का, और आपने बेचा है सोल्ड 6000 का, तो सर 8000 का था और उसके ऊपर PFD कितने का था, 2000 का, तो यहां से अगर 2000 माइनस कर दूं तो BV आ जाएगा, और BV कितने का आ गया, 6000, बुक वैल्यू 6000 आ गया, तो इसका मतलब 6000 का सामान कितने का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ 6000 रुपए का बेचिए, कहानी खत्म। अगर ये एडजस्टमेंट आ जाता तो सोचते रहेंगे बच्चे, तो समझ में आया, ड्यूरिंग द डेप बोले तो कौन सा डेप बता रहा है, ये P&L वाला। अब टोटलिंग करेंगे, सिंपली टोटलिंग करेंगे तो 3,08,000, और इधर भी आ जाएगा 3 लाख, और अगेन यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, 2,08,000 रुपए सेल, और यहां पे तो आपका मैच ही हो गया, ठीक है। चौथे केस को मैं यहां लिख देता हूं, ये पांचवा केस, हाँ चलिए पांचवे केस का आंसर। सबसे पहले सर आंसर में क्या लिखना है, आंसर में डेप, डेप कितने का है जी, 7000, क्वेश्चन में गिवन ही था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 0 आया है, और उसके बाद बुक वैल्यू में हमारा सेल
6000 था, इसके बाद हमारा परचेज। तो देखो मैंने सारे पॉइंट कर दिए आप लोगों के लिए और बड़े अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझाऊं इसको। और मेरे हिसाब से अब जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट अगर दिखता है तो आराम से आप उसको टेकल कर सकते हो कि कब लॉस निकालना है कब प्रॉफिट। और मैंने कहा एग्जामिनर का ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहता है एक तरीके से। अब फटाफट इसको नोट करना, इमेज क्लिक करना है, वो करिए फटाफट।